तानिया क्या सोची, क्या बोलेगी? कुछ नहीं। अरे इसको कुछ नहीं पता। अच्छा गाइस, आई हैव एन आइडिया। क्या यार, जितना टाइम हम ये इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढने में लगा रहे हैं ना, उससे कई कम टाइम में हम दूसरी जॉब ढूंढ लेंगे। क्यों राहुल, तुझे नहीं लगता? देख यार, दूसरी जॉब तो मिल जाएगी, मगर इस बात की क्या गारंटी कि वहाँ भी इंश्योरेंस की इतनी फाइट नहीं होगी? यार पर ये गलत है ना, मैं क्या नहीं सोचती थी, बैंक में जॉब मतलब फुल रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट वो तो हमारे सीनियर्स ने ही भेज दी, हम तो बस। अरे लो लो चाय पियो। अरे लो। नहीं यार। अच्छा मुझे दे लेता हूँ। किसका फोन आया? चड्डा का कॉल। कौन है? अरे वाह चड्डा, अब ये उतारेगा तेरी चड्डी। चुप रहे यार, चुप रहे ना यार। लाउड पे रख, लाउड में रख, लाउड में रख फोन, लाउड पे रख। हेलो सर, आज तो मरेगा। आई एम गुड, पर तुम कुछ बीमार लग रहे हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनिए, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, आप सिर्फ सुनिए। जी सर। पिछले साल तुमने एक पॉलिसी दी थी और कहा था ये वन टाइम प्रीमियम है, कहा था ना? अब सर इतनी पुरानी बात वर्ड टू वर्ड कैसे याद रहेगी? सर अब प्रॉब्लम बोलिए ना। देखिए, चार दिन पहले मेरे फिक्स डिपॉजिट से पैसे कट के प्रीमियम में जमा हो जाते हैं, क्यों ऐसा कैसे किया आपने? अच्छा हाँ हाँ वो वाली बात। हाँ सर याद आ गई। याद आई ना, बताइए फिर। सर एक्चुअली जो आपने स्कीम लिया था उसका नाम सांप था, राइट सर? बिल्कुल राइट। ये सर जब आप हमारे बैंक आए थे तो आप 10 लाख का FD करना चाहते थे, पर मैंने आपको बोला कि आप 9 लाख का फिक्स डिपॉजिट कीजिए और 1 लाख इस सांप पे डालिए। बोला था तो सर, और मैंने आपको ये भी बोला था कि सांप साल में एक बार आकर आपके फिक्स डिपॉजिट को डसेगा, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। और सर जो बात आपको पता ना चले उस बात को आपको क्या बताना? हाँ तुम शायद सही कह रहे हो। सही कह रहा हूँ ना सर? अच्छा ये बताओ, ये सांप चल तो रहा है ना, ठीक प्रॉफिट तो देगा ना? सर ये शेयर मार्केट का सांप है, कोई ऐसा वैसा नहीं, फुल रफ्तार में दौड़ रहा है सर। अरे ये सांप को चलने तो चलने दो, और आओ मेरे पास कुछ पैसे आए हैं। पहले मैं सोच रहा था कि FD कर दूं, अभी सोच रहा हूँ कि सांप ही ले लूं। सर अब बहुत अच्छे डिसीजन मेकर हो और इन्वेस्टर भी। मैं मंडे को आ रहा हूँ सर आपसे मिलने के लिए। शाना है साला। ओके ओके जरूर, मंडे जरूर मिलना। ओके बाय, सी यू। हाँ हाँ शो सर। जलो सालो और जलो। अरे मुंह तो देखो जरा सालों का। डूड बैंकिंग में ना तेरे जैसे लोगों की ही जरूरत है। बेटा क्या है ना, झूठ बोलना एक कला होती है जो कि तुम दोनों कभी नहीं सीख पाओगे। सही कर भी रही हो, वैसे भी बैंक को तुम दोनों जैसे हरामियों की ही जरूरत। देख ले दूसरे चड्डा का फोन होगा। बॉस 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 मैं जा रहा हूँ, टाटा। अरे यार, अरे कहाँ, I love you, अरे 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 all the best। हाँ हेलो सर, अब इनविटेशन दूं ब्रांच माने के लिए? यहाँ मेरा बॉस हर 10 मिनट में मेरी मार रहा है, मुझे आज 2 लाख का इंश्योरेंस चाहिए। सर ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे रिजल्ट चाहिए वो भी आज। सर आई एम स्टिल सिटिंग एट डुगल्स प्लेस, कुछ करते हैं सर। एक मिनट, कौन है सर ये? आज तो मरा सर। मिसेस डुगल। क्या क्यों सर?
सर एक्चुअली उन्होंने कल बैंक वाली फिल्म देखी थी, द ड्रीम जॉब। हाँ तो क्यों सर? तो सर वो कह रही थी कि कोई और काम क्यों नहीं करते, ये भी तो एक चोरी चकारी लूट मार काइंड ऑफ वर्क है ना सर। मेरी बात कराऊं उनसे? सर क्या कस्टमर लोगों से मुंह लगाना। चल बात करा मेरी उनसे। ओके सर एक मिनट, इसे मिसेस दुगल से बात करनी है। अरे नहीं 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 नहीं, नॉट अ बिग डील, कॉन्फ्रेंस में कॉल करा दे। अबे चूतिये हो क्या, उसे पता है कि मैं मिसेस दुग्गल के यहाँ बैठा हूँ। इतना झूठ कैसे बोल लेते हो? यार देख मैं बैंक में काम करता हूँ और ऊपर से सेल्स में, एक सच है जो मैं सोच सोच कर बोल पाता हूँ और झूठ है जो मैं 24 आवर फुल पावर में बोलता हूँ। प्लीज बात कर लेना यार। यहाँ पे सी लिखा है, जान बुझ के मैं अपनी ही क्यों मरवाऊं? देख दिया तुझे बात करनी है तो बात कर, नहीं तो मैं लॉग इन कर दूंगा बिजनेस और तुझे उसके बाद जो दिखाना है जिसे दिखाना है दिखा सकती है। हेलो जी। हेलो मैडम, कैसी हो आप? ठीक हूँ जी, आप बताइए। ठीक तो आपने बड़ा लंबा खींच दिया मैडम, प्रॉब्लम बताइए ना। अरे वो ना, आजकल दुग्गल जी से बहुत परेशान रहती हूँ। ये तो कहानी घर घर की है मैडम, ये सब तो चलता ही रहता है। और सब तो ठीक है ना? हाँ। अबे भी कुछ गड़बड़ है मैडम। हूँ, आपने बड़े दबे स्वर में कहा है। अरे वही, सर्दी जुखाम खांसी पेट दर्द सर दर्द। ये क्या बोल रही? वो बीमारियों का बैंक बैलेंस अच्छा खासा है मैडम। अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं है जी, वो एक्चुअली ना मैंने लास्ट मंथ ही एक इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी किसी दूसरे बैंक से, तो पता चला कि मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। टचुट जी। मैडम कितने की पॉलिसी की थी? यही 5 लाख। एक मिनट मैडम, दुग्गल जी से बात कराई ना, बहुत दिनों से सर से बात नहीं हुई है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तू ना मेरी नौकरी खाएगी। मोहित मोहित मोहित। अबे क्या हुआ? मोहित अबे बोल ना। अबे बाहर निकल, बॉस को तेरे से बात करनी है। बात करनी है, बाहर निकल। क्या बोला बे? वही, तू क्या अंदर कान में लिया हुआ था? बहन के लौड़े इसको पता चल गया कि हम सब साथ में है। मौत चूत गई बहन। ये भैंचो छिनाल का पूत, खाना तो खाना हगने भी नहीं देता मदर चोर। बात कर बात कर बात कर ले। हेलो हेलो हेलो। बे फोन तो कट गया है। क्या यार, मां चुदवाने आया था यहां पे तू? राहुल। यस सर। मादर चोत तुम्हारी माँ का चोदो बहन के लौड़े, मादर चोत तेरा कस्टमर जाकर दूसरे बैंक में 5 लाख का इंश्योरेंस करा रहा है, आपके लौड़े बैंक में बैठ के मुठ मार रहा है। मादर चोत तेरी माँ की माँ के लौड़े साले, बिजनेस कर। ये बहन का लौड़ा तो प्रोडक्ट से ज्यादा तो ये वेरिएशंस में गाली देता है। मशीन से पैदा हुआ बहन का लौड़ा। हाँ सर। ओम, आज तुम 4 कस्टमर के पास जाने वाले थे ना? सर एक के पास मैं होके आया, इंश्योरेंस नहीं SIP लिया। और सर मैं दूसरे के लिए निकल रहा हूँ अभी। यस सर। गुड गुड गुड, तुम बिजनेस लेके आओ, मैं तुम्हारा ब्रांच में इंतजार करता हूँ। ओके ओके सर।
जो सब आजकल एसआईपी बेच रहा है, इंश्योरेंस कोई कर ही नहीं रहा है, कैसे चलेगा वेंचर? शॉक्स, शॉक्स किधर है डार्लिंग? शॉक्स कहाँ है? अगर बॉस मेरी लेगा ना तानिया, I'm seriously gonna kill you. यार रजत, किसी ने मेरी चड्डी मार ली यार. Seriously? महा लॉगिन डे कल तक के लिए एक्सटेंड किया गया है. ओहो, पहले चोरी और फिर सीना चोरी, यही सब सीखते हो तुम लोग बैंक में क्या? ओए मूली की डगार, जिसे आम का जा शॉर्ट इलेक्ट्रिक तार, यहाँ से हो जा फरार, नहीं तो लगेगा लाफा चार्ज, समझे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? 6 महीने से तुमने कुछ नहीं किया है. मैं बता रहा हूँ, आपके सैलरी रोक दूंगा इस महीने की, आप समझिएगा,